अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सुमेर हसन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ग्लू गन का जो है ट्रैकर रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, इसका ट्रैकर जो है वो खराब हो चुका है। मैं ट्रैकर को प्रेस कर रहा हूँ लेकिन जो ग्लू स्टिक है वो अंदर नहीं जा रही है, तो इसका ट्रैकर जो है अंदर से टूट गया है। मैं आपको आज की वीडियो में यही सिखाऊंगा कि आप किस तरह इसका ट्रैकर रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस ग्लू गन को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं हम इसमें कि ट्रैकर जो है किस तरह टूटा है और उसको किस तरह जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे खोल लिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये हिस्सा जो है टूटा हुआ था। अगर अब आप यहाँ पे गौर से देखें तो दोस्तों मैं इसको पहले भी रिपेयर कर चुका हूँ कई दफा। दोस्तों ये टूटती इस वजह से है कि अगर आपकी हीट गन जो है सही तरह गर्म ना हो और ये ठंडी हो बिल्कुल, और उसके बाद अगर आप ट्रैकर दबाएंगे तो ट्रैकर की सारी जो ताकत होती है, फोर्स होती है, वो सारी इस पॉइंट पे होती है। तो आगे से ये जो है ये गर्म हो ना होने की वजह से ये जो ग्लू है ये आगे बढ़ती नहीं है और जो है सारी फोर्स इस पॉइंट पे आके इसे डैमेज कर देती है, इसे तोड़ देती है। तो आज जो है हम इसे वापसी रिपेयर करेंगे और मैं किस तरह रिपेयर करता हूँ वो तरीका भी दिखाऊंगा, लेकिन आज हम उसको थोड़ा और एडवांस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। तो हम इसमें प्लास्टिक वेल्डिंग का भी इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये और अच्छी तरह मजबूती से जो है जुड़ जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंटों को निकाल लेता हूँ एक। तो दोस्तों दोनों चीजें मैंने बाहर निकाल ली, अब दोस्तों मैं आपको इनको जोड़ के दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो है इसको जोड़ना आपको इस तरह है, आपने ये हिस्सा लेना है और ये जो छोटा वाला पॉइंट है इन दोनों का एलपी से जोड़ लेना ताकि ये हिले ना। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपने जो है इन दोनों हिस्सों को जोड़ लेना है। दोस्तों एलपी से जोड़िएगा सबसे पहले ताकि ये फौरन जुड़ जाए और उसके बाद जो है हम इसे प्लास्टिक वेल्डिंग करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इन दोनों हिस्सों को रख के एलपी से जोड़ लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे एलपी लगा ली है। दोस्तों एलपी इतनी लगाइएगा कि आपस में रुक जाए और अब चलिए हम इस पर प्लास्टिक वेल्डिंग करते हैं। दोस्तों प्लास्टिक वेल्डिंग करने से पहले आपने कुछ चीजें लेके आ जानी है, जैसे एक जो है आप लोहे की कोई पतली ले लें, मेटल की चादर है दोस्तों लोहे की, आपने इसके बिल्कुल छोटा सा एक हिस्सा चाहिए, इतना बड़ा सा अगर हो आपके पास तो सही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक काट के रखा हुआ है, इसी चादर में से काटा है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना मोटा जो है आपने इतना मोटा जो है चादर का पीस काट लेना है जैसे मैंने यहाँ पे काटा है। तो उसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए कुछ प्लास्टिक, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे प्लास्टिक है। दोस्तों ये पीवीसी पाइप का प्लास्टिक है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये इस्तेमाल कर लें, वरना कोई भी खिलौने का प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस्तेमाल करने से पहले जो है तो दोस्तों आप इनमें से कोई सा भी प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक खिलौने का प्लास्टिक है आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह इस पर प्लास्टिक वेल्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों जब आपकी काफी फुल तेज गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने जो है प्लास्टिक वेल्डिंग स्टार्ट करनी है तो अच्छी हो जाती है उससे प्लास्टिक वेल्डिंग जो है। अब देखिए ये जो आपको बीच में स्पेस नजर आ रही है आपने इस स्पेस को खत्म करना है प्लास्टिक से, ये वाला प्लास्टिक जो है दोस्तों आपने यहाँ पे काफी रख के इस तरफ लेके आना है और यहाँ काफी रख के इस तरफ लेके जाना है, तो जिससे ये स्पेस खत्म हो जाएगी। चलिए मैं वो कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है तमाम साइड से जो है प्लास्टिक को आपस में मिला दिया है। अब दोस्तों आप इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए दोस्तों आपने जो है यहाँ पे लोहे की पतली का इस्तेमाल करना है। अब मैं लोहे की पतली इसके ऊपर रख के लोहे की पतली को गर्म करूंगा तो वो इस प्लास्टिक के अंदर जो है चले जाएगी, जिससे ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा हमारा ये जो पॉइंट है ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए मैं लोहे की पतली भी इसमें लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने लोहे की पतली काट ली और इसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया मैंने, तो अब चलिए इसे मैं इसमें फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने पट्टी को लगा दिया है, अब आपने करना ये है कि आपने काविया की मदद से इस पट्टी को गर्म करना है ताकि ये प्लास्टिक के अंदर चले जाए, हल्का हल्का प्रेस करते रहिएगा ताकि ये जल्दी से अंदर चले जाए।
तो दोस्तों मैंने लोहे वाली जो पत्री थी वो लगा दी है। दोस्तों मैंने दो पत्रियां लगाई हैं, एक तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पे आप यहाँ पे देख सकते हो ये थी, और दूसरी जो लगाई है वो मैंने यहाँ पे साइड में लगाई है। हाँ यहाँ पे देखो ये निकल रही है, और एक छोटा सा पीस मैंने इस साइड पे भी लगा दिया ताकि ये अच्छी तरह जो है बिल्कुल मजबूत हो जाए। अब जो है दोस्तों आपने करना ही है कि अगला जो स्टेप है, जो आप इसमें बीच में जगह देख रहे हैं खाली खाली सी यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर काफी सारी जगह, यहाँ पे आपने प्लास्टिक रखना है और काविया की मदद से उसे प्रेस करते जाना है, और वो जो प्लास्टिक पिघल के इस जगह पे फिल हो जाएगा। तो चलिए मैं ये भी कर लेता हूँ। और दूसरा दोस्तों आप जब प्लास्टिक फिल करें तो इस जगह पे ध्यान से करिएगा, अगर ज्यादा प्लास्टिक आ गया तो ये जो क्लिप है ये अपनी जगह पे वापसी नहीं सेट होगा। तो आप इस पे एलपी लगाएंगे तो एलपी लगाने के बाद जब आप इसे काविया से काम करेंगे तो इस पे से एक धुआं उठती है जो आंखों पे असर बहुत ज्यादा असर करती है, जी आंखों पे जलन मचने लग जाती है। तो आप अपनी आंखों को बचा के काम करिएगा, और आप चश्मा वगैरह कोई ऐसी चीज पहन लिएगा जिससे आपकी आंखों पे धुआं ना पहुंचे। तो चलिए अब मैं जो है इसमें प्लास्टिक को भी फिल कर देता हूँ और फिर हम इसे टेस्ट आउट करते हैं। तो दोस्तों प्लास्टिक लगाने का तरीका ये है कि दोस्तों आप काविया की मदद से इस पे से प्लास्टिक थोड़ा सा हटा लें। तो आप यहाँ पे देखें ये जो है प्लास्टिक आ गया मेरे पास। अब जो है आपने जिस जगह पे भी लगाना है, जैसे मुझे जो है अब मैं किस जगह लगाऊं, इस जगह लगाना है मुझे दोस्तों प्लास्टिक। अब आपने जो है यहाँ पे जो हमने प्लास्टिक उतारा है हम वो रखेंगे और उसे इस तरह पिघलाते रहेंगे, और चारों तरफ जहां जहां आपको लगाना है वहां वहां आप उसको इसे पिघलाते हुए, जहां जहां आपको लगाना है वहां आप इसे पिघलाते हुए ले जाएं इसको। तो दोस्तों हमारी जो है प्लास्टिक वेल्डिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों ये अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। दोस्तों अब मैं इसे ग्लू गन में फिट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने जो है इसको ट्रैकर में फिट कर दिया। दोस्तों ट्रैकर में फिट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इन दोनों के बीच में प्लास्टिक को फंसा दिया है ताकि ये निकले ना। जैसे कि अगर आप इसका जो दूसरा रास्ता देखें, इसके बीच में प्लास्टिक नहीं है, ये ढीला नहीं था इसलिए, लेकिन जो है ये वाला जो हिस्सा था दोस्तों ये ढीला हो गया था तो मैंने प्लास्टिक फंसा दिया। मैंने ये वाला जो प्लास्टिक थोड़ा सा काट के और इसके बीच में जो है फंसा दिया था, इसके बीच में रख के आप किसी भी पेचकस से दबाएंगे तो अंदर फंस जाएगा। अब चलिए मैं इसको फिट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको यूज करके देखते हैं। तो दोस्तों आपने एक चीज और देख लेनी है, दोस्तों ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे देखें इस पे हॉर्न दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो स्प्रिंग फिट होता है ये वाला ग्यारह हिस्सा जो स्प्रिंग का यहाँ लगता है, और ये जो गोल वाला हिस्सा है दोस्तों ये जो है का यहाँ पे ग्लू स्टिक के नीचे जो पॉइंट है यहाँ पे फिट होता है। तो आप इसको जिस तरह यानी ग्लू गन को खोलो उसी तरह बिल्कुल फिट करिएगा ताकि आपकी ग्लू गन जो है बिल्कुल सही वर्क करे। इसका स्प्रिंग फिट कर दिया, अब यहाँ पे देखो ये अटका हुआ है इसका स्प्रिंग। अब जो आपने करना ये, अब जिस हिस्से को हमने रिपेयर करा था अब आपने वो हिस्सा इस पॉइंट पे रखना है, ये जो होल है इस पे रख के, और आपने इसे प्रेस कर देना है। दोस्तों जैसे आप प्रेस करेंगे कट की आवाज आएगी और ये इसमें अटक जाएगा, और उसके बाद अब जो है हम इसको कैसिंग लगा लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी ग्लू गन जो है गर्म हो गई है, ये आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्लू गिरना बाहर स्टार्ट हो गई है। तो उसका मतलब ये है कि हमारी ग्लू गन जो है अब जो है सही तरीके से गर्म हुई है। अब मैं इसको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें मैं जैसे ही ट्रिगर दबाऊंगा आप इसके पॉइंट से देखें यहाँ से ग्लू बाहर आ रही है। तो दोस्तों आपने देखा हमारी ग्लू गन कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ, और वीडियो को लाजमी शेयर कर देना ताकि दूसरे लोगों का भी इससे फायदा हो। अल्लाह हाफिज।